नमस्कार दोस्तों, चंपावत खबर में आपका स्वागत है। टनकपुर में आज व्यापार मंडल चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और व्यापारियों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे के बीच व्यापारी सुबह से ही मतदान के लिए पहुंचने लग गए थे। मतदान गांधी ग्राउंड में चल रहा है। टनकपुर में कुल 762 व्यापारी मतदाता है। दोपहर तक करीब 50% व्यापारियों ने मतदान कर दिया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी खासी मुस्तैद है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव परिणाम आज शाम को ही घोषित कर दिए जाए। व्यापार मंडल अध्यक्ष और महामंत्री पद पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए मुकेश भट्ट, शाहिद और मनोज प्रजापति मैदान में है, तो महामंत्री पद के लिए संजय पांडे, निगम गुप्ता और गिरीश वर्मा के बीच मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार और चीनू और अंकित अग्रवाल के बीच सीधी टक्कर चल रही है। कोषाध्यक्ष पद पर एकमात्र प्रत्याशी होने के चलते मोहित गढ़कोटी का निर्विरोध निर्वाचन तय है। व्यापारी भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और अभी केवल 4 घंटे में लगभग 450 वोटों का हो चुके हैं और संगठन की मजबूती के लिए चुनाव समिति ने बहुत प्रयास किए हैं और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं उनका परिणाम आज सायं घोषित कर दिया जाएगा और विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। पूर्व में सूचना मिल गई थी तो हमारे द्वारा जो है पुलिस प्रबंध की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल हमारे द्वारा नियुक्त किए गए। इसके अलावा हमारे द्वारा भी यहाँ समय समय पर आकर चेक किया जा रहा है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है।